दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं चिट्ठी लिखी है अते उन्होंने मांग की है कि देश विच छपण वाले नवें नोटां ते महात्मा गांधी की फोटो दे नाल गणेश अते लक्ष्मी की फोटो भी लगाई जाए। दो दिन पहलां तो अरविंद केजरीवाल ये लगातार मांग करते आ रहे हैं ते अज उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नूं चिट्ठी भी लिख दी है ते नाल ही उन्होंने वल्लों कहा गया कि ये मांग 130 करोड़ देशवासियों की है जिस ते गौर की जाए। जदों तो अरविंद केजरीवाल दे वल्लों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगे ये मांग रखी गई है उदों तो बाद देश दे विच सियासत भी गरमाई हुई है। श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई है तो उस वक्त मन के अंदर एक भाव आया, उस वक्त मन के अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग भाव आया अगर भारतीय करेंसी के ऊपर अगर ऐसा हो। दिल्ली दे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नु दिवाली वाले दिन जो फीलिंग आई उसने सियासी बयानबाजियां दा अजिहा सिलसिला तोड़ दिता जो रुकन दा नाम नहीं ले रहा। फीलिंग सी ही कुछ अजही कि विरोधी बोले बिना रह ही नहीं सके। केजरीवाल ने नोटां ते लक्ष्मी गणेश दियां फोटोज वाली अपनी फीलिंग देश दे प्रधानमंत्री सामने रख दित्ती पर केजरीवाल दी भावना ने सियासी माहौल पखा दित्ता है। दो दिन बाद अरविंद केजरीवाल ने देश दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं चिट्ठी भी लिख दित्ती है। पहला बयान ते हुण चिट्ठी, मांग इक्को कि देश दे विच बनन वाली करंसी ते महात्मा गांधी दे नाल नाल गणेश ते लक्ष्मी दी तस्वीर भी लगाई जावे। अरविंद केजरीवाल ने तर्क दित्ता है कि मांग पूरे देशवासियां दी है। पत्र च केजरीवाल ने लिखा है कि देश दे 130 करोड़ लोकां दी इच्छा है कि भारतीय करंसी ते एक पासे गांधी ते दूजे पासे भगवान गणेश ते लक्ष्मी जी दी तस्वीर होनी चाहिदी है। दूजे पासे अरविंद केजरीवाल दी इस मांग नूं लै के घमासान मचिया होया है। बीजेपी लगातार अरविंद केजरीवाल ते हमलावर है। केजरीवाल जी ने चिट्ठी लिखी है कि नोटों के ऊपर श्री गणेश जी और लक्ष्मी जी की फोटो होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी का ना तो हिंदू धर्म मुद्दा है, ना लक्ष्मी जी और गणेश मुद्दा है। अगर ये मुद्दा होता तो अरविंद केजरीवाल जी कतई ये ना कहते कि जो दीपावली वाले दिन लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे उनको मैं 6 महीने के लिए जेल में डाल दूंगा, ऐसी धमकी कभी ना देते। अगर मुद्दा लक्ष्मी जी और गणेश जी का होता तो अरविंद केजरीवाल जी कभी ये ना कहते, अपने मंत्री से सार्वजनिक तौर पर शपथ ना दिलवाते कि मैं राम जी को, मैं कृष्ण जी को, मैं विष्णु वर्मा महेश जी को कभी भगवान नहीं मानूंगा, इसकी कसम खाता हूं, ये अरविंद केजरीवाल जी कभी ना करते। और अगर मुद्दा लक्ष्मी जी, गणेश जी और हिंदू धर्म का होता तो अरविंद केजरीवाल जी कभी ना कहते कि अयोध्या में मंदिर नहीं बनना चाहिए, रामलला वहां नहीं जाएंगे, वहां पे अस्पताल बनना चाहिए, कभी ये ना कहते। अगर मुद्दा हिंदू धर्म का होता, लक्ष्मी गणेश जी का होता, अगर मुद्दा उनका होता तो कभी ना कहते कि 125 करोड़ रुपया मैं एक धर्म विशेष के मौलवियों की तनख्वाह के लिए दूंगा लेकिन हिंदू धर्म के पुजारियों को पैसा नहीं दूंगा, ये कतई ना कहते। मुद्दा तो ये है ही नहीं, मुद्दा तो चुनाव है, क्योंकि गुजरात में जो वो टोपी पहनकर वोट ले आते थे उस समुदाय ने वोट डालने से मना कर दिया तो अब वो ये हिंदू मुसलमान का कार्ड खेलना शुरू कर दिया। अरविंद केजरीवाल जी मुद्दा ना लक्ष्मी जी हैं आपके लिए, ना गणेश जी हैं, ना आपके उनमें आस्था है, आप तो केवल और केवल नास्तिक हैं और वोटों के लिए कहीं किसी स्तर पर भी गिर सकते हैं, ये आपका मुद्दा स्पष्ट बता रहा है। पूजन कर रहे थे तो उस वक्त मन के अंदर एक भाव आया, उस वक्त मन के अंदर एक बहुत स्ट्रांग भाव आया कि अगर भारतीय करेंसी के ऊपर अगर ऐसा हो, हम सब लोग पूजन करते हैं, सब लोग भाव से पूजन करते हैं, तो अगर भारतीय करेंसी के ऊपर भी ये हो, मैं ये नहीं कह रहा ये करने से मात्र से केवल अर्थव्यवस्था सुधरेगी, बहुत सारे एफर्ट्स करने की जरूरत है, लेकिन वो एफर्ट्स तब फलीभूत होते हैं जब देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है। जेकर हुण केजरीवाल दी कल्पना च रंग भरिया गया तां भारतीय करंसी इस तरह दी दिसेगी। वैसे केजरीवाल दिवाली मौके लक्ष्मी गणेश दी पूजा सालां तों करदे आ रहे ने पर उन्हां नूं स्ट्रांग फीलिंग हुण आई है। हुण सवाल तां उठेगा ही कि आखिर ए फीलिंग हुण ही क्यों आई है। गुजरात चोणां तों एंड पहलां की इरादा नोट जरिए वोटां वाली सियासी खोट तां नहीं, मकसद वाकई आस्था जां चुनावी चोट है। आज मेरी केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से अपील है, भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है वो एज इट इज रहे, दूसरी तरफ अगर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की तस्वीर होगी
तो इससे पूरे देश को उनका आशीर्वाद मिलेगा। लक्ष्मी जी को समृद्धि की देवी माना गया है, गणेश जी जितने विघ्न होते हैं उनको हरने वाला उनको देवता माना गया है, विघ्न दूर करने वाला देवता माना गया है, तो उन दोनों की तस्वीरें उसके ऊपर लगनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि सारे नोट बदले जाएं, लेकिन जितने फ्रेश नोट्स छपते हैं, अभी जो नोट्स हैं वो एज इट इज रहे, लेकिन जो हर महीने फ्रेश नोट्स छपते हैं वो फ्रेश नोट्स के ऊपर ये शुरुआत की जा सकती है, और धीरे 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 करते करते सर्कुलेशन में काफी मात्रा में ये वाले नए नोट आ जाएंगे। हुण धार्मिक वोट बैंक का भी ख्याल रखना, यह उदाहरण इंडोनेशिया ने दिती है, ताजो देवी देवत्या की दिती तरजीह दे नाल कोई धार्मिक तबका खफा ना हो जाए। इंडोनेशिया एक मुस्लिम कंट्री है, 85% से ज्यादा उनकी आबादी मुस्लिम है, 2% से कम हिंदू हैं वहां पे, लेकिन उन्होंने भी अपने नोट के ऊपर गणेश जी की तस्वीर छापी हुई है। तो मैं समझता हूं कि ये एक बहुत अहम कदम है जो कि केंद्र सरकार को उठाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल की इस मांग ते विरोधी भी काफी औखे ने। गुजरात चोणां तो पहला केजरीवाल की डिमांड ते सवालों की बौछार है। हुण केजरीवाल ने मांग की है तो इसे लिए सब ने अपनी अपनी डिमांड्स भी दस दित्तियां ने। किसी नूं अंबेडकर की फोटो पसंद है ते किसी नूं गांधी की अते किसी नूं देवी देवत्या की। नोट के मसले से बीजेपी भी वक-वक चल रही है। जो कांग्रेस ने मांग अंबेडकर की फोटो लाने की की है तो पंजाब च बीजेपी ने कांग्रेस की मांग के नाल सहमति जताई है। कोई श्री अरविंद केजरीवाल जी के बयान के खिलाफ नहीं हो। देखिए, भगवान लक्ष्मी जी का, गणेश जी का भारत की संस्कृति में एक विशेष स्थान है। हम लोग लक्ष्मी जी की स्तुति करते हैं कि घर में खुशहाली हो, संसार में खुशहाली हो, काम में बढ़ोतरी हो। कोई भी काम शुरू करने से पहले श्री गणेश जी की स्तुति करते हैं, और वो जो प्रभु सत्ता है उसको दिलवाने में महात्मा गांधी जी की सबसे अहम भूमिका रही है, क्योंकि भारत के आज़ादी आंदोलन के पीछे वो एक बहुत बड़ी नैतिक शक्ति थी। उसके साथ साथ उस प्रभुसत्ता को अगर संवैधानिक अमली जामा किसी ने पहनाया तो वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने पहनाया। तो अगर भारत की जो नगती है, उसकी जो प्रेजेंटेशन है, उसमें एक तब्दीली करनी है, तो उसमें इतना लचीलापन है कि आप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की भी उस पर चित्र लगा सकते हैं, भगवान लक्ष्मी जी का भी लगा सकते हैं, गणेश जी का भी लगा सकते हैं, इसके अलावा और बहुत सारे भारत के माइथोलॉजी से जुड़े हुए, भारत के वर्तमान से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसी शख्सियतें हैं जिनको आप संज्ञान में ले सकते हैं। तिवारी जी की मांग का समर्थन करता हूं। मैं महसूस करता हूं कि जब आरबीआई की स्थापना बाबा साहब अम्बेडकर ने कराई है, रिजर्व बैंक की स्थापना बाबा साहब अम्बेडकर ने कराई हो, तो नोटों के ऊपर फोटो भी तो बाबा साहब अम्बेडकर की चाहिए ना। और हैरानगी इस बात की है कि बाबा साहब के इतिहास को मिटाने की सदियों तक साजिशें होती रही। मैं धन्यवाद देता हूं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के नाम को आगे बढ़ाया और पांचों तीर्थ बाबा साहब अम्बेडकर के बना करके पूरे देश को एक अजूबा दिया है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जब देश के संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर हैं, और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट में भी बाबा साहब अम्बेडकर की सब जजेस के पीछे फोटो होनी चाहिए, क्योंकि देश का संविधान बाबा साहब ने लिखा है, संविधान के निर्माता हैं, और सभी कोर्ट कचहरियों में फोटो बाबा साहब की होनी चाहिए। पंजाब ही नहीं, महाराष्ट्र तो भी फरमाइश आ रही ने। महाराष्ट्र तो बीजेपी लीडर नितेश राणे ने वखरा सुर अलापिया। नितेश राणे ने 200 दे नोट नू एडिट करके छत्रपति शिवाजी दी फोटो लगा दित्ती। उन्हें लिखा कि हुन परफेक्ट है। हुन सवाल उठेगा कि केजरीवाल सने इन्हां लोकां दी डिमांड कीती किन्नी कु जायज है। वैसे सवाल ते मान दे मंत्री कह रहे ने कि सलाहां तक कोई भी दे सकता है। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇਗੀ ਰਾਏ, ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਰਾਏ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੋ ਐਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
केजरीवाल दी मांग ते सवाल उठन ते बेशक हुण आम आदमी पार्टी दे लीडर इस नूं राय कह रहे ने अते अपनी गल रखण दा हक संविधान सब नूं दिंदा है पर बदलाव लियाउण दे दावे करन वाली अते धर्म दे नाम ते सियासत ना करन दा दावा करन वाली पार्टी दे सुप्रीमो वल्लों जो डिमांड कीती गई है उस ते सवाल उठने लाजमी ने